मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदसुरथ चिर बिहारी कीन्हि मातु मिस काल कुचाली इति भीति जस पाकत सारी एहि विधि होइ राम अभिषेकु मोहि अब कलत सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए।
श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय, राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।